हेलो दोस्तों, तो कैसे आप दोस्तों? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो डाला था, जिसमें था कि दयाल बाग यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है उनको कैसे फिल करें। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा और फॉर्म फिल किया, और काफ़ी लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया कि जो ग्रुप ए का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, या MBA का सिलेबस क्या होता है, या BTEC का सिलेबस क्या होता है, एडमिशन कैसे होते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो सिलेबस है वो ग्रुप ए का सिलेबस क्या है। मैं केवल ग्रुप ए की सिलेबस की ही बात करूंगा, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा जो रिस्पॉन्ड किया है वो ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्ड किया है, जो कि डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मेरी वीडियो बनाने से यदि आपकी हेल्प होती है एडमिशन होने में, तो इससे बेटर बात क्या हो सकती है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ, यदि आपने दोस्तों वीडियो देखा है और आपको वीडियो देखने से दोस्तों बहुत ही आइडिया मिल रहा है अपनी तैयारी करने के लिए, तो प्लीज़ मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि जब दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि एक नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, दयाल बाग की कब इसके जो फॉर्म आने वाले हैं, और उसके बाद कब दोस्तों इंटरव्यू का फॉर्म आने वाला है, इंटरव्यू लिस्ट कब आएगी, इस तरह की जितनी भी डिटेल मैं कंटिन्यू डालता रहूँगा यदि आप रिस्पॉन्ड करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, जिससे आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप बेखटक आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा तुरंत जब मुझको टाइम मिलेगा। अगर दोस्तों मैं नंबर नहीं देता तो मैं कमेंट में भी नंबर पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी नंबर देख लीजिएगा। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है ग्रुप ए का वो क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोस्तों यहाँ पर अपने क्रोम पर आ जाना और आपको टाइप कर देना DEI डिप्लोमा ग्रुप ए सिलेबस। तो यहाँ पर जो वेबसाइट से हो जाएगी सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे वेट करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो PDF दिख रही है, तो आपको PDF को ओपन कर लेना है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन में या एडोब रीडर में कर लेना या PDF व्यूअर में, तो आप जिस चाहे उस पर ओपन को कर लेना। तो मैं इस PDF को ओपन कर ले रहा हूँ, तो जैसे मैं ओपन करूँगा आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आप ग्रुप ए में एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं, वो आप 10th लेवल से भर रहे हैं या 12th लेवल से भर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ज़्यादातर दोस्तों मैं दयाल बाग में जो फॉर्म भरे जाते हैं वो 10th लेवल से भरे जाते हैं, 12th से कोई फॉर्म नहीं भरता। क्योंकि अगर 12th से फॉर्म भरोगे तो वो जो डिप्लोमा है वो 2 साल का पड़ेगा, और यदि आप 10th से फॉर्म को फिल करोगे तो वो डिप्लोमा है वो 3 साल का पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे 10th से ही फॉर्म फिल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे अगर 10th से आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो 10th से क्या क्या यहाँ पे कि जनरल साइंस पूछा जाएगा, केमिस्ट्री क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे, और जर्मन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपने जो भी रिसेंट में आपने जो एग्ज़ाम दिया है वही आपको पढ़ना है, और जनरल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में दोस्तों एक बात मैं और बताऊँगा जो सिलेबस में भी नहीं होगी दोस्तों, वो मैं आपको बताऊँगा, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल हो जाना है। ये दोस्तों बहुत बड़ी PDF है, मैं इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहां से अपने जो सिलेबस को है दोस्तों वो चेकआउट कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। तो मैं सिर्फ यहां पे आप डिप्लोमा ग्रुप ए वालों का जो सिलेबस है वही बताने जा रहा हूं। तो आप यहां पे देख रहे होगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द डिफरेंट कोर्स, तो यहाँ पे ग्रुप ए के लिए बताया गया है। यानी ग्रुप ए में जो ब्रांच आती है वो ऑटोमोबाइल आती है, इलेक्ट्रिकल आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, मैकेनिकल आती है, और इसके बाद दोस्तों जो लेदर फुटवेयर है दोस्तों, फुटवेयर से जो BTEC करते हैं या डिप्लोमा करते हैं वो उनके बारे में भी सेम चीज़ है। और उसका जो वोकेशनल IT एक सब्जेक्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्स पढ़ाते हैं, उनका भी सिलेबस है वो सेम है। तो इसमें जो दिया है आप देख रहे हो यहाँ पे पॉलिटेक्निक इंटीरियर डिजाइन, उसके बारे में दोस्तों जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, उसके बारे में ही सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है जो सिलेबस है। अब मैं बात करता हूँ कि जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आप स्क्रॉल डाउन करने पे जब पेज नंबर 8 पे आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे पेज नंबर 8 पे आपको आ जाना है। तो पेज नंबर 8 पे आने के बाद आप देख रहे होगे ये 10th का जो सिलेबस है डिप्लोमा ग्रुप ए का, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे जो फिजिक्स है, फिजिक्स आएगी। अब फिजिक्स में आपको क्या पूछा जाएगा दोस्तों, जो न्यूटन और लॉ ऑफ मोशन है पहली यूनिट है उससे क्वेश्चन हो जाएगा, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन और सॉलिड लिक्विड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आइज के बारे में और थर्मल रेडिएशन के बारे में, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं साइंस में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके जो 10th की बुक है उसको अच्छे से पढ़ लेना थ्योरी पूरी, और लास्ट में जो 10-10 नंबर के जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन उसमें बुक में जरूर होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने 10th के बुक से अच्छी तरीके से पढ़ लेना और तैयार कर लेना। और उसके बाद जो केमिस्ट्री है दोस्तों, केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मैटर एंड इट्स स्टेट, मैटर की स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोप एंड
स्पोनिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेटल नॉन मेटल एसिड बेस एयर साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंट्रो ऑफ द सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि आप पढ़ चुके हो बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों यदि आपने बॉटनी ले रखी है यानी कि आप बायोलॉजी से कर रहे हो या कोई दूसरा को बायोलॉजी से आपने 10th की या 12th की तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकते हैं आप देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपने जियोलॉजी आपके पास है जियोलॉजी आपने पढ़ी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है स्क्रॉल कर लेना है, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे होगे हेल्थ एंड हाइजीन ये भी आप पढ़ लेना, यदि आपने ये भी आपका कोई सब्जेक्ट रहा है तो आप दोस्तों यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करो, अब ये दोस्तों हिंदी में है, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो जो यूनिट है और रसायन विज्ञान की पूछा गया है द्रव रूप प्रकृति व्यवहार पदार्थ के प्रकार तत्व उसका वर्गीकरण धातु और अणु और परमाणु ये दोस्तों हिंदी में आप यहाँ से भी इनको पढ़ सकते हो यदि आपको इंग्लिश में नहीं पता। और फिर यूनिट जो टू होगी उसमें देख रहोगे मंद एंड तथा तीव्र अभिक्रियाएँ उत्प्रेरित उपेक्षाएँ तो ये जो आपने पढ़ा आप इनको अच्छे से ही पढ़ लेना दोस्तों और ये ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जो आपके 10th की बुक है उसके लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो जितनी भी बुक है आप उनको बिल्कुल पूरी थ्योरी पढ़ना अच्छे से और उसको थ्योरी ऐसे पढ़ना स्लो पढ़ना ना कि आप उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भी और भी सब्जेक्ट हैं और भी कोर्स हैं उनके भी यहाँ पे दिए गए हैं तो आप दोस्तों यहाँ से अपना चेकआउट कर सकते हो अपनी जो भी सिलेबस है उसको आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि दोस्तों जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगी तो आप यहाँ से आपके चेक कर लेना जो भी आपका सिलेबस है। और दोस्तों एक बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएं दयालबाग में तो आपको एक चीज़ ज़रूर पढ़नी है जो कि सिलेबस में कहीं पे मेंशन नहीं होगी जैसे कि जो दयालबाग यूनिवर्सिटी है वो दयालबाग यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई और पहले वो कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी कब बनी यूनिवर्सिटी किसने बनाई ठीक है जो सत्संग है सत्संग कब इस्टेब्लिश हुआ और इस दयालबाग की ब्रांच कहाँ कहाँ है दयालबाग में जो गुरु हैं जो सत्संग के गुरु हैं पहले गुरु का नाम क्या है तीसरे गुरु का नाम क्या है पांचवें गुरु का नाम क्या है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने 2018 में जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझसे कम से कम 15 नंबर के इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे गए थे और मुझे पता था क्योंकि मैं सत्संग में आता जाता था और मैंने कई सत्संग कैंप वगैरह भी ज्वाइन किए तो मुझे अच्छे से इसके बारे में जानकारी थी और मैंने वो क्वेश्चन किए तो मेरा जो सिलेक्शन हो गया था मेरा एडमिशन हो गया था दयालबाग यूनिवर्सिटी में। तो आप भी इस चीज़ों पर जरूर ध्यान रखिए और आप सिलेबस देख ही रहोगे कि ये इंटरमीडिएट का दोस्तों सिलेबस है। अगर यदि आप इंटरमीडिएट से फॉर्म को फिल कर रहे हो हालांकि इंटरमीडिएट कोई फॉर्म फिल करता नहीं है 10th से ही फॉर्म को फिल करता है तो अब यदि आप इंटरमीडिएट से भर रहे हो तो ये आप इसको पढ़ना जरूरी है। और यदि आप बीटेक के लिए दोस्तों फॉर्म फिल करो तो भी बीटेक वालों के लिए ये मस्ट है आप इनके बारे में जरूर पढ़ के रखिए यानी कि बीटेक वाले जो पीसीएम है वो ही आप पढ़ें उनके बारे में ही नॉलेज रखें क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम होना नहीं है आप जेईई मेन के थ्रू ही जाएंगे तो आपका इंटरव्यू वहाँ पर डायरेक्ट होगा ना कि आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये दोस्तों ये BA है MBA है BTEC है MTEC सारे लोगों के ये PDF है मैं इसको एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा तो आप वहाँ से अपनी पूरी डिटेल है वो अपनी स्टडी कर लें। और दोस्तों एक बात और बोलूँगा मैं फिर से बोलूँगा कि वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जब भी मैं दयालबाग से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूंगा क्योंकि एडमिशन आप कंटिन्यू चलते रहेंगे हर 10-5 दिन में कोई ना कोई अपडेट आती रहेगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुरंत आपकी अपडेट आपके फ़ोन में ही मिल जाएगी। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।